ये 10th क्लास के लिए है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन, सॉल्व इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड यूज करना है तो हम कैसे करेंगे, ये वाला फार्मूला लगाकर। a1 b1 और c1 इसको एज्यूम किया हुआ है, a2 b2 और c2 इसको एज्यूम किया है। अब x इज इक्वल टू b1 कितना है 2 मल्टीप्लाई c2 कितना है 10, ठीक है। माइनस b2 कितना है 1, c1 की वैल्यू कितनी है 25 इज इक्वल टू y अपॉन c1 कितना है 25, a2 कितना है 2, माइनस c2 की वैल्यू कितनी है 10 और a1 की वैल्यू कितनी है 3, ओके। 1 अपॉन A1 कितना है बच्चे 3, इधर ध्यान दो 3, B2 कितना है 1, ठीक है। माइनस A2 कितना है 2 और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, B1 कितना है 2, ये हो गई हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, ठीक है। यहां पे x इज इक्वल टू 20 माइनस कितना हो गया 25 और y इज इक्वल टू 50 माइनस 30 और 1 इज इक्वल टू कितना है 3 माइनस 4, ओके। अब कितना आ गया x इज इक्वल टू माइनस 5, y अपॉन कितना है 20 और 1 अपॉन माइनस 1। अब हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x अपॉन माइनस 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 1, तो यहां कितना आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस x इज इक्वल टू माइनस 5, x इज इक्वल टू 5 आ गया। अब y की वैल्यू कैसे पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 20 कैसे पता करनी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई से, माइनस y इज इक्वल टू 20, यू कैन से y इज इक्वल टू माइनस 20। इस वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना।